हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। सुंदर और चमकते दांत हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है क्योंकि हमारे दांत उतने अच्छे नहीं होते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हमें हर रोज़ अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांतों की सफाई करना हमारे एक डेली रूटीन में शामिल होता है, लेकिन हम सब लोग जानते हुए भी अपने दांतों की सफाई उस तरीके से नहीं करते हैं जिससे कि हमारे दांत हमेशा ही सुंदर बने रहें। जब हम अपने दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, उसके कारण हमारे दांतों में दुर्गंध हो जाती है और कभी कभी भयंकर दर्द भी होने लगता है, जिससे दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है। धीरे धीरे कीड़ा हमारे दांतों को खा लेता है। कई उपाय हैं जिनकी मदद से हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये उपाय पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके करने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है तो वो हमेशा के लिए दांत आपकी सही हो जाएगी और कीड़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। उस कीड़े को ये उपाय बिल्कुल ख़त्म कर देता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है लहसुन। लहसुन हजारों सालों से घरेलू उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन में न केवल हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता होती है, बल्कि इसे डेंटिस्ट द्वारा दांतों के मैल को साफ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। लहसुन एक दर्द निवारक औषधि की तरह भी काम करता है। लहसुन दांतों में लगे कीड़े को साफ करने, हटाने और उसे मारने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लहसुन में पाए जाने वाले गुण आपकी सारी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मुझे चाहिए 5 लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को मैंने छील लिया है और छील को मैंने इनको एक कटोरी में रख लिया है। अब हमें इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक मामजस्ता ले लूँगी। ये आप घरों में यूज़ करते ही हैं, जो आप अदरक वगैरह कूटने के लिए यूज़ करते हैं, या किसी भी भारी चीज से आप इसको पीस सकते हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। दूसरी चीज़, हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये मैंने दोस्तों सेंधा नमक लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बनाने के बाद इसको ऐड कर सकते हैं और चाहे तो इसको पीसते वक्त भी ऐड कर सकते हैं। सेंधा नमक और लहसुन दोनों ही आपके दांतों की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। दांतों में लगे कीड़े की समस्या को ये जड़ से सब खत्म कर देता है। अगर आप लहसुन और नमक के पेस्ट को अपने दांतों पर लगाते हैं तो आपको कभी भी दांतों से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। आपने देखा होगा पुराने समय में बहुत ही बुजुर्ग लोग भी होते थे, तब भी उनके दांत बिल्कुल सही रहते थे। तो वो इन्हीं सब होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते थे, कोई वो बहुत सारी बाहर की चीज़ें लाकर नहीं इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट को पीस कर तैयार कर लिया है। देखिए कितना बारीक हमारा पेस्ट पीस चुका है। तो मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी। अब हम बात करते हैं आपको इसको लगाना कैसे है। इसमें से आपको थोड़ा सा पेस्ट लेना है और जिस दांत में आपकी कीड़ा लगा है उस दांत में आपको इसको रख लेना है। वहाँ पर आप इसको रख के मुँह को बंद कर लीजिए। आधा घंटा कम से कम आपको उस दांत में इसको फिल करके मुँह को बंद रखना है। ला रहा है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद आप मुँह से थूक सकते हैं। जब ये आपकी दांत में लगा रहेगा तो दांत में जितने भी कीड़ा है वो निकल जाएंगे, वो वहीं की वहीं मर जाएंगे और आपकी दांत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपकी दांत में कोई भी परेशानी नहीं होगी। केवल इस एक रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दांत और दांत पहले की तरह सुंदर और चमकदार हो जाएंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बस मेरा यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेगाज हेल्थ एंड ब्यूटी कॉर्नर। थैंक यू।